हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, बात करेंगे हेमेस्टर कॉम्बैट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स की। एयर ड्रॉप के जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर शेयर कर दिए गए, लेकिन कल जो यहाँ पर इनके द्वारा एक्स पर स्पेस ऑर्गेनाइज किया गया था, इसमें क्या इन्होंने यहाँ पर जवाब दिया हुआ है लिस्टिंग को लेकर, टीजी को लेकर, एयर ड्रॉप को लेकर, और इनसे क्या कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कम्युनिटी ने पूछे हुए हैं, और क्या उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर आने वाली डेट्स में इसके द्वारा टीजी रिलीज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आने वाली है अगस्त का महीना शुरू हो चुका है, ऑलमोस्ट यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं 9th ऑफ अगस्त को। क्या इस महीने में हमें यहाँ पर टीजी देखने को मिल सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या कुछ और पॉइंट्स ऐड होने वाले, या फिर जो कीज और पीपीएच है वही इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफी सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आप टेलीग्राम से कनेक्टेड नहीं हुआ है तो जुड़ जाइए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिफर कोड यहां पर अवेलेबल है, काफी इंपॉर्टेंट है हर एक टास्क कंप्लीट करना, क्योंकि सिफर कोड हो, कॉम्बो कार्ड हो, या फिर जो डेली रिवॉर्ड हो, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि यहां पर ये जो 6 पॉइंट्स इन्होंने शेयर किए हुए, उसमें से एक पॉइंट है, जैसा कि आपको हमने पहले भी यहां पर शेयर कर दिया है, ये आप देख सकते हैं, जो 6 पॉइंट्स इन्होंने इंक्लूड किए हुए हैं, जिसमें पैसिव इनकम पीपीएच नंबर 1 पर आ रहा है, दूसरे नंबर पर टास्क आ रहा है। फ्रेंड्स, ये आपसे नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको लेकर ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या हमने किसी फ्रेंड को शेयर किया हुआ है, जैसे 20 से 25 फ्रेंड्स को शेयर किया हुआ है, और उनमें से कुछ एक्टिव है, कुछ एक्टिव नहीं है, तो उसका भी क्या फर्क पड़ेगा। तो टीम ने अभी तक इसको लेकर अपडेट नहीं दी कि यहां पर आपने जिसको शेयर किया हुआ है उसे एक्टिव रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मतलब आपने शेयर कर दिया है, वो यहां पर टेप कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, तब तो आपको फायदा जरूर मिलने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं भी टेप कर रहा है, वो थोड़ा एक्टिव नहीं है, कम एक्टिव है, तो भी आपको फायदा मिल सकता है। आपने यहां पर शेयर कर दिया है, मतलब वो एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। आपने यहां पर अपना काम किया, फ्रेंड्स को शेयर किया, ये यहां पर इसकी कंडीशन हो सकती है। कंडीशन अभी यहां पर शेयर नहीं की, अगर आप देखेंगे यहां पर ये जो आई लिखा हुआ है, ये कंडीशंस बता रहा है, और इनमें अभी जो कंडीशंस देखने को मिली है वो सिर्फ ये है कि आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, वो एक्टिव है डीएक्टिव है उससे कोई मतलब अभी नहीं है। अचीवमेंट का ऑप्शन आया हुआ है, वो भी आपको यहां पर अपग्रेड करना है। काफी सारे ब्लॉक सेक्शन है, उनको आपको कंप्लीट करना है। जितने ज्यादा ब्लॉक्स, जितने ज्यादा सेक्शन आप कंप्लीट करेंगे, उतना ही अचीवमेंट आपका ग्रो होगा। टेलीग्राम का सब्सक्रिप्शन, मतलब टेलीग्राम को आप सब्सक्राइब कर लें, प्रीमियम वगैरह की बात नहीं हुई है, और कीज को आप लगातार ग्रैब करिए, जो अभी हम नहीं कर पा रहे। मतलब जितनी ज्यादा कीज होगी उतना ही ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। हेमेस्टर कॉम्बैट के जो मिनी गेम्स है वो ऐड हुए हैं, उनमें भी आप यहां पर देख सकते हैं। मिनी गेम तो एक ही है, लेकिन यहां पर जो गो गेम्स का ऑप्शन है, सेक्शन है, वहां पर जो 4 गेम ऐड हुए हैं, कई सारे लोग वहां पर बॉट का यूज कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि बॉट का यूज नहीं करना चाहिए आपको, अगर आप बॉट का यूज कर रहे हैं, और बॉट का यूज करने पर आपका यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर इनकी टीम है वो अकाउंट भी सस्पेंड कर सकती है आने वाले टाइम में। तो अब ऐसी कोई गलती नहीं करना है जिससे यहाँ पर अपना अकाउंट सस्पेंड हो जाए। 4 गेम एड है यहाँ पर, 4-4 की मिल रही है, 16 की लगातार डेली आप ग्रेप कर सकते हैं, लेकिन बॉट का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर हम कोड्स वगैरह डालकर भी देख रहे हैं, डायरेक्टली रिडीम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। तो गेम को प्ले करके आप कर सकते हैं, मिनी गेम जरूर खेले, यहाँ से 1 की मिल रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने यहाँ पर देख लिया, एयर ड्रॉप का सेक्शन यहाँ पर ऐड हुआ है, लगभग 6 पॉइंट्स को इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन इनकी टीम ने सीधा से ये कहा हुआ है कि मोर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए, और भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। मतलब और भी अपडेट इनकी टीम की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी और नए ऑप्शन ऐड होंगे। यहाँ पर इनकी टीम ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया हुआ है कि वी आर हैप्पी, हम यहाँ पर खुश हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन उठता है ना, जब भी टीजी को लेकर, एयर ड्रॉप को लेकर कब डिस्ट्रीब्यूट होगा, तब इनकी टीम कोई ना कोई अपडेट दे देती है, ताकि जो कम्युनिटी है वो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भूल जाए कि टीजी कब होने वाला। लेकिन कम्युनिटी भी बहुत एक्टिव है, कम्युनिटी भी लगातार यहाँ पर इस क्वेश्चन को नहीं भूल रही। अभी भी उनके द्वारा यही क्वेश्चन किया जा रहा है कि वेन टीजी कब होगा, इसकी अनाउंसमेंट आप करिए। इन्होंने क्या कहा हुआ है, मोर आइटम्स दैट विल प्ले अ रोल इन द टोकन डिस्ट्रीब्यूशन। आपको यहाँ पर और भी आइटम्स देखने को मिल सकते हैं, नोट दैट दिस आर नॉट ऑल ऑफ द कंडीशन। एक बात को नोट कर लें, ये सभी जो आपको अभी यहां पर 6 पॉइंट शो हो रहे हैं, ये सभी यहां पर ऑल ऑफ द कंडीशंस नहीं है, और भी कंडीशंस है जो हमारे द्वारा ऐड की जा सकती है, क्योंकि करना भी पड़ेगा, क्योंकि इतनी कम कंडीशंस अगर ये देंगे तो काफी सारे लोग इन कंडीशन को फुलफिल कर देंगे। इस वजह से ये और भी ज्यादा यहां पर माइंड गेम खेलने वाले हैं, और भी ज्यादा यहां पर नई चीजें लेकर आने वाले हैं। एक चीज अगर आप यहां पर देखें, यहां पर इनकी टीम अभी तक टीजी को लेकर कोई भी अपडेट नहीं दे रही है। मतलब काफी सारी कम्युनिटी यहां पर इनसे काफी सारे वाहियात क्वेश्चन भी पूछ रही है, लेकिन इनका जवाब उसको लेकर भी नहीं आ रहा है। यू विल ऑल्सो वॉन्ट प्लेयर्स टू सेंड न्यूड फोटोज फॉर एयर ड्रॉप। आप यहां पर आने वाले समय में जो प्लेयर्स है उनको ये भी कहेंगे कि आप हमें न्यूड फोटोज दें, तब जाकर आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। अगर आप देखें, कल यहां पर जो स्पेस हुआ था, उस स्पेस में इनके द्वारा टीजी को लेकर, लिस्टिंग को लेकर कोई भी जवाब नहीं आया, और काफी सारी कम्युनिटी ने यहां पर इनसे लगातार टीजी
टीजी को लेकर ही क्वेश्चन पूछा, मतलब लगातार यहाँ पर एयर ड्रॉप कब होगा, लिस्टिंग कब होने वाली है, टीजी कब होने वाला है, इसको लेकर ही लगातार इनके द्वारा क्वेश्चंस पूछे गए थे कम्युनिटी के द्वारा, लेकिन इनका वहाँ पर जवाब नहीं आया, वो भी काफ़ी स्ट्रेस्ड नजर आ रहे थे। एक रीज़न तो ये भी हो सकता है दोस्तों, जितना ज़्यादा आप यहाँ पर सवाल पूछेंगे कहने के उतनी टीम यहाँ पर उसको लेकर फ्रस्ट्रेट भी होगी और बहुत जल्द इसको लेकर अपडेट भी दे देगी। मतलब अगर आप यहाँ पर देखें, ये स्पेस के बारे में इन्होंने जानकारी दी थी, इसमें भी लगातार इनसे जब यही क्वेश्चन पूछा गया तो इन्होंने यहाँ पर इसको लेकर क्या अपडेट दिया, जो पहले यहाँ पर इन्होंने शेयर किया हुआ था उसको ही यहाँ पर, उस मैसेज को यहाँ पर रिप्लाई में इन्होंने शेयर कर दिया। मतलब यहाँ पर ये जो यहाँ पर इन्होंने अपडेट दिया हुआ था वेब टू वेब थ्री से कनेक्टेड, इसके पहले भी यहाँ पर एक अपडेट दिया था जब ये क्वेश्चन पूछते थे कई लोग कि यहाँ पर कब आपका जो टीजी है वो आने वाला है, तो इन्होंने यही कहा हुआ है कि हम सीजन वन को क्रेप करने वाले, मतलब सीजन वन हमारा कंप्लीट होने वाला है, उसका यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद हम वर्क करने वाले हैं सीजन टू के ऊपर। सीजन टू पर भी ये फोकस कर रहे हैं, लेकिन अगर सीजन टू को सक्सेसफुल बनाना है तो सीजन वन में सही तरीके से एयरड्रॉप को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और ये इनकी टीम को पता है। इसी वजह से यहाँ पर मुझे लगता है कि हेमस्टर से हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये अच्छा एयरड्रॉप दे सकता है। क्राइटेरिया क्या होगा, अभी 6 पॉइंट्स यहाँ पर डिसाइड किए, लेकिन और भी पॉइंट्स आ सकते हैं और टीजी को लेकर लिस्टिंग को लेकर बहुत जल्द अपडेट मिलने वाला है। मतलब मुझे लगता है ये जो महीना अगस्त का महीना, इसमें यहाँ पर ये डेट डिसाइड कर देंगे, जैसा कि आपने इनके रोड मैप में भी देखा, और सितंबर तो लास्ट ही होने वाला है और सितंबर तक तो यहाँ पर ये रिलीज कर ही देंगे क्योंकि वो क्वार्टर थर्ड का एंड होने वाला है, तो हमें यहाँ पर गुड न्यूज मिल सकती है। लेकिन फिर भी जो जवाब है टीजी और लिस्टिंग को लेकर वो अभी तक टीम ने नहीं दिया है, तो इस पर यहाँ पर टीम को मेंशन करना चाहिए। लगातार आप एक स्पेस पर जाइए, एक सैंडल पर जाइए, इनको मेंशन करें, हमें जवाब मिल सकता है। आप अभी किस पर फोकस कर सकते हैं, पीपीएच के ऊपर आपको लगातार फोकस करना है क्योंकि यहां पर ये पैसिव इनकम होने वाला है, जो इनके नंबर वन पर क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, जो क्राइटेरिया शो किया है उसमें नंबर वन पर इस पॉइंट को इंक्लूड किया अब, तो ये यहां पर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पीपीएच, अर्न टास्क, फ्रेंड्स वगैरह और कीज को यहां पर अर्न कर रही है, और उसके साथ ही कॉइन बैलेंस को अभी मेंशन नहीं किया हुआ है, लेवल को मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा हुआ है वो भी आने वाले टाइम में मेंशन हो सकते हैं, कुछ और नए ऑप्शंस आ सकते हैं, तो डरने की बात नहीं है। आपके पास कॉइन बैलेंस अच्छा है तो उसका यूज करके पीपीएच को भी बढ़ाते रहिए, साथ ही यहाँ पर अपना कॉइन बैलेंस मेंटेन करें और लेवल को लॉर्ड के लेवल तक तो पहुंचा दीजिए, उसके अलावा अगले लेवल तक पहुंचना काफी मुश्किल है। अदर अपडेट आती है कोई भी तो हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। टेलीग्राम से कनेक्टेड रहिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।